जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में आप सभी को जानकारी देने वाला हूं कि हैवी लाइसेंस बनाने के लिए नया नियम क्या है और इसमें आपको जानकारी मिलेगी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है हैवी लाइसेंस बनाने के लिए फीस क्या है कैसे ये बनेगा सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसेस इसका तो इसलिए वीडियो को शुरू से आधारपूर्वक देख लीजिएगा अंत तक बिना स्किप क्यों है ठीक है जी ताको पूरी जानकारी अच्छे से में मिल जाए और ज्यादा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों की मदद करें इससे हित हो जाए सबका इसलिए ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ऐसे फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आर टीय की फिर इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे चलिए जी आपको जानकारी देते हैं देश में अगर आप एक हैवी लाइसेंस बनाना चाहते हैं तो हैवी लाइसेंस बनाने के लिए जो और लाइसेंस बनाया जाता है उससे नियम थोड़ा अतर है यानि कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी यानी कि नॉर्मल लाइसेंस और हैवी लाइसेंस में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है अब इसमें डिफरेंस ये है कि आपका लाइसेंस बनाने का तरीका भी डिफरेंट होगा फीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी ज्यादा है इसमें क्योंकि नाम ही प्रतीत होता है कि हैवी लाइसेंस तो हैवी लाइसेंस

बनवा सकते हैं सीधे तौर पर विजिट करके लेकिन लाइसेंस में ऐसा नहीं है आपको ध्यान से समझना है चाहिए यानी कि आपको स्कूल में करवाना पड़ेगा। आप आर में डायरेक्ट ये लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस सीधे आर में जाकर नहीं बनेगा लाइसेंस इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल में वहां पर जाकर आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा प्रशिक्षण लेकर आपको एक प्रमाण पत्र हासिल करना पड़ेगा प्रमाण पत्र मिलेगा तब जाकर हैवी लाइसेंस बनेगा ये है इसका जो फिक्स रूल है नया तो सबसे पहले ये नोट करिएगा अगर आप टू व्हीलर फोर व्हीलर का आप बनाना चाहते हैं तो मिनिमम अट्ठाईस दिनों को ट्रेनिंग करना पड़ेगा और अगर हैवी या ट्रांस लाइसेंस बनाना चाहते हैं जिसमें सिक्स व्हीलर या ट्वेल्व व्हीलर व्हीलर्स या उससे अतिरिक्त जो व्हीकल हैं व्हीकल्स उनको चलाने के लिए तो वहां पर आपको जो प्रशिक्षण लेना है वो सिक्स वीक्स का यानी कि लगभग बयालीस दिनों से अधिक या मिनिमम बयालीस दिनों का प्रशिक्षण करना ही पड़ता है तब जाकर आपको वहां पर हैवी लाइसेंस बनाया जाएगा ये आपको नोट कर लेना है ठीक है जी अब यहाँ पर बता देते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स अगर आप हेवी लाइसेंस बनाना चाहते हैं सबसे पहला तो यही है कि आपके पास एक साल पुराना कम से कम एल एम बी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए इसमें एक्सपीरियंस मायने रखता है इसलिए आपको कम से कम चार पहिया का ड्राइविंग लाइसेंस एक वर्ष पहले ही बनवा कर रखना है तब जाकर आप हैवी लाइसेंस बनाने के लिए पात्र होंगे सबसे तो पहला डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है दूसरा है ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट मिनिमम बयालीस दिनों का अधिकतम आप वहाँ पर छः महीने का भी कर सकते हैं जितना आपको टाइम लगे सीखने में गाड़ियों को चलाने में ड्राइविंग स्कूल में आपको गाड़ी भी चलानी सिखा दी जाती है सारे रोड के ट्रैफिक साइंस सिंबल की जानकारी मिल जाती है ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आरटीओ के तो सारी चीजें आपका बेनिफिट हो जाता है एडमिशन लेने पर तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग स्कूल का सर्टिफिकेट और उसके बाद में एज प्रूफ एज प्रूफ में बर्थ प्रूफ सबर सर्टिफिकेट या पैन कार्ड दे सकते हैं उसके बाद में एड्रेस आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पर आपको देना पड़ेगा जिसमें आप पासपोर्ट आधार कार्ड सारी चीजें दे सकते हैं उसके बाद थ्री पासपोर्ट रिसन फोटोग्राफ्स लगेगा और एक्नोलमेंट रिसिप्ट साथ साथ फीस रिसिप्ट फीस रिसिप्ट में जो ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो फीस रिसिप्ट उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और साथ साथ यहाँ पर एक जो एक्चुअल फीस यहाँ पर लगती है वो है आपका ड्राइविंग स्कूल की फीस जब आप एडमिशन लेने के लिए जाते हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में हैवी लेसन बनाने के लिए तो वहाँ पर आपको फीस देनी पड़ती है फीस जो है भाई और बहनों ये दो हजार रुपए से स्टार्टिंग होती है और मैक्सिमम दस से बारह हजार रुपए तक जाती है और उससे अधिक भी जा सकती है डिपेंड करती है फीस स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है इसलिए आप अपने राज्य में जाकर बेहतर समझ सकते हैं इसके बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो भाई और बहनों यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि फीस कितनी लगेगी वहां पर एक्चुअल में आपका ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर पर डिपेंड करती है किस राज्य में है सिचुएटेड वहां पर ठीक है सारी चीज मैं आपको क्लियर कर दी नए नियम जो है बनाने के लिए अगर आपके मन में कोई डाउट क्वेश्चन को हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट पर्सनल एडवाइस सुझाव देने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं वहां पर मेरा पर्सनल नंबर भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पर भी बातचीत कर सकते हैं कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप जुड़कर बातचीत कर सकते हैं अच्छा यहाँ तक वीडियो देखा बहुत बहुत आपका प्रेम प्रेमपूर्वक धन्यवाद अभी तक लाइक से नहीं कर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा भाई और ज्यादा मतलब में शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑन कर लीजिएगा ठीक है आपसे बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नया टॉपिक लिए तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम